यहाँ पे कोई दुकान में हम रुके हैं, दुकान का नाम क्या है, एथनिक। इस दुकान पे हमको बोट्स मिलते हैं, इस दुकान पे हमको टोपियाँ मिलती हैं, इस दुकान पे हमको कुल्लू मिलता है। ये आप देखो मेरे पीछे बिल्डोजर आ रहा है योगी जी का, ये देखो ये योगी जी का बिल्डोजर आ रहा है, ये इटली में भी चल रहा है भाई, देख लो। लग रहा है हम लोग टेस्ट करके बताएंगे क्या है। वाओ यार, लव यू फ्रॉम माय साइड, लव यू फ्रॉम माउंट एटना, लव यू फ्रॉम। यार सब लोग इधर आ जाओ, ब्लॉग में तुम लोग थोड़े थोड़े आ जाओगे। अरे भाई हेलो हेलो बोलो भाई। भाई कैसी लग रही ट्रिप? बहुत बकवास। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ये ब्लॉग होने वाला है, आज हमारा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू, हम लोग जा रहे हैं माउंट एटना। तो ये मेरी इटली के अंदर और यूरोप के अंदर पहली ट्रिप है, जो कि हमें हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी ESN है, इर्समस है, वो ऑर्गेनाइज करा रही है। तो आज चल के देखते हैं कि वो क्या क्या करवाते हैं और कैसा यहाँ फन होता है। तो सारा एक्सपीरियंस हम वीडियो में शेयर करेंगे और वीडियो में बताएंगे कि आप यूरोप और इटली के अंदर कैसे सस्ते में ट्रिप कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमने अपना बैग रेडी कर लिया है, बैग के अंदर पानी बोतल वगैरह जरूरत की चीजें रख ली है, बट बाहर बारिश हो रही है, बट बारिश से डरना नहीं है क्योंकि यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर बारिश कॉमन है। बट मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू कैरी वाटर बॉटल, क्योंकि यहाँ एक पानी की बोतल 3-4 यूरो की मिल जाती है बाहर, 400 रुपए कौन देगा, हमने तो बोतल रख ली 2 लीटर की। चलो अब मिलते हैं आगे स्नो एरिया में एट माउंट एटना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगा प्रणव शर्मा को, जिन्होंने हमें इंडिया से ज्वाइन किया एंड हमारी ट्रिप बहुत ही अच्छी गई। कंटेंट इज मनी, मनी इज कंटेंट। अंदर लेके चलते हैं, वीडियो में देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो में आपको मिलने वाला है कि हम एटना कैसे पहुंचे, हमने एटना में क्या क्या खाया एंड क्या प्राइस थे, एंड एटना हमें कैसा लगा फाइनली, जो एक्टिव वोल्केनो होता है हम थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताएंगे, एंड हम उसके दिखाएंगे लावा, एंड लावा उसका जो होता है वो मोर देन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है, उसको भी आपको दिखाएंगे। आज ये वीडियो रहने वाली है माउंट एटना इटली के बारे में। आप देख सकते हो कि आज मैं थोड़ा सा बाहर घूमने आया हूँ इटली के, लाइक अपने मेसिना सिसिली रीजन से थोड़ा बाहर, ऑल तो ये सिसिली में ही है। तो हम यहाँ पर हैं माउंट एटना में। अब आपको माउंट एटना की हिस्ट्री बताता हूँ। माउंट एटना एक एक्टिव वॉल्केनो है, दिस इज एन एक्टिव वॉल्केनो एंड इट लाइज बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। माउंट एटना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में है। हमारे जो कटानिया या सिसली आता है, ये जो रीजन आता है, ये आता है यूरोपियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि जो सिसिलियन रीजन है इटली का, साउथर्न रीजन है, सदर्न, वो अफ्रीका का पार्ट है, बट ज्योग्राफिकली ये इटालियन पार्ट है। आज हम माउंट एटना के 3000 मीटर के हाइट पे खड़े हैं। और गुलन भाई कैसा लग रहा है आपको 15 यूरो देके बारिश में जाना? तो ये रही हमारी बस जिसमें हम जाएंगे आज। So they are taking their attendance and the bus has started. So let's see how it goes again. तो क्या हो गया? अच्छा लगने लगा। देखो उन लोगों भी अच्छा लगता है। मैगी अरे इधर ठेला खोल लेते बाजू में, चाय और मैगी का, समोसे का भाई। आपको इटना के कैसा लग रहा है? I'm feeling so good. कैसा लग रहा है? Somewhere better. Feeling too good, man. This is like amazing view for me. Okay. And yeah, we will let you know. How are you feeling? Hey, scripted. You look like an igloo, man. Not scripted, yaar. Yeah, this is scripted, Abhiral. माउंट एटना पे भी कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है एंड आई एम फ्रीजिंग, एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं हर तरफ स्नो ही स्नो है, बट मज़ा आ रहा है। वैसे हम लोग एक्सपेक्ट किया था स्नो नहीं होगी,
बट स्नो हो गई सो इट्स काइंड ऑफ इवन फन. शूट 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 गाइस फ्री फ्री भाई कुछ ज्यादा स्नो गिर गई मेरे ऊपर. अविरल ब्लैक पहन गया था अभी पूरा व्हाइट हो गया. अंदर देखो अंदर सिर्फ एक शर्ट पहनी मैंने. लेट मी शो यू इसके नीचे कुछ है ही नहीं. ठंड लग रही है. बर्फ डाल दिया अंदर. चले ताऊ कंटेंट हो रहा है कंटेंट. ये चोर चोर बर्फ चोर चड्डी दिख रही है. नहीं नहीं एक चीज मैं दिखाता हूं ताऊ तुम निकालो यार भारी हो रहा है. नहीं कुछ नहीं निकालो यार क्यों संग करते हो यार इसको निकालो. ऊपर वाले को निकालो. ये है यूरोप. यूरोप का वो हिस्सा जहाँ पर जो यूरोप से पूरा जुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल हटा हुआ है. इसका नाम है सिसिली और सिसिली लोग आने के लिए मरते हैं. तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं माउंट एटना एंड हम आपको और भी सारे कंटेंट हम दिखाएंगे. इधर पीछे हम देख सकते हैं हम इधर स्नो वॉली देखने आए एंड स्नो वॉली इधर हो रही है और होपफुली हमारी टीम जीतेगी. नहीं जीते तो सॉन्ग प्ले हो गया पंजाबी सॉन्ग. और भाई उसने जो हमारे इंडियंस भाई लोगों के अंदर आग लगाई जो हमारे अदर कंट्रीज के लोग हमें देख के इतना खुश हो गए वो भी बिल्कुल डांस करने लगे पंजाबी सॉन्ग पे बुरी तरीके से. द स्नोफॉल हैज इंक्रीज्ड सो मच एंड एवरीवन इज गोइंग इनसाइड. यू कैन सी इट्स अ लॉट ऑफ स्नोफॉल. I can't even like stand. It's just so hard to stand. And there's so much of snowfall. It just covered the entire place with so much snow. जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा snowfall हो रही है. I'll show you the entire background. भाई तेरी तेज स्नो हो रही है. So we're going inside because it's so much of snow outside. Inside they have heaters. तो थोड़ा सा हाथ सेकते हैं चल के. Hello. हेलो हेलो बस किसके ऊपर डाले नहीं यहाँ से ऊपर. तुम्हारे सक्सेस पे 1000 सब्सक्राइबर. थैंक यू सो मच. कितनी बार काटोगे? जितनी बार उसका कट नहीं जाता सही से. अभी के ना अच्छा 8140 सब्सक्राइबर. चलो जिसको जैसे खाना वाला. के बाद हमने बहुत हिप हॉप किया डांस किया. ऑल्दो मुझे डांस नहीं आता बट आप देख सकते हो मैंने डांस कैसा किया और कमेंट जरूर करना कि आपको डांस मेरा कैसा लगा.
चलना भी मुश्किल हो रहा है, आप देख सकते हो एवरी प्लेस स्नो फील्ड। आगे हमारे दोस्त हैं, उनके पास जाते हैं, हम शायद स्नोमैन बनाने का ट्राई करते हैं, अगर बनता है तो विल मेक अ स्नोमैन। मजा है, कुछ नहीं होता, पकड़ के रखो। सो बेसिकली माउंट एटना इज लाइक एन एक्टिव वोल्केनो, तो यहाँ से चारकोल निकलता रहता है। तो एज यू कैन सी चारकोल है, चारकोल इसके नीचे है, तो यहाँ पे चारकोल है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो चारकोल प्लस स्नोफॉल का मिक्सचर है। अब हम जा रहे हैं साइड में एक जगह है जहाँ पे हम हाथ सेक सकते हैं, मतलब लाइक उसको कहते हैं, बट इतनी ठंड में ओनली सर्वाइव। हम लोग माउंट एटना पे एक काढ़ा पियेंगे जो इटालियन काढ़ा है, एंड हमारा दोस्त इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है या इसको देखो। चलो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसके अंदर सारे फ्रूट के छिलके और फ्रूट हैं। अब दिखाते कैसे, देखो ये हमारा हो गया सेब, ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारा संतरे का छिलका, इसमें इलायची और आपको ये सब भी। अब देखो ये रही इसमें बीट रूट, अब देखो इधर दिखाता हूँ, इसमें इलायची है, लौंग है, धनिया है, सौंफ है और काली मिर्च है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस है। और ये सोचो कि हम लोग सोचते हैं ना, पता है कि काढ़ा वाड़ा ये सब पुराने जमाने के लोग पीते हैं, आज सोचो इधर के लोग इटली में, हम लोग इटली में खड़े, उधर आप फ्लैग देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, तो सोचो इटली में भी लोग काढ़ा ही पीते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो हम सजेस्ट करेंगे आयुर्वेदा अच्छी है, आप भी पीजिए, हम ट्राई करके दिखाएंगे। एक चीज आप ये देखो कि जो स्ट्रक्चर बनाया है बिल्कुल हमारे इंडिया की तरह, ऐसा नहीं कि ये किसी अभी हम लोग आपको आपको रिव्यू देंगे, प्रॉपर हीट कर रहे हैं अभी हम लोग आपको रिव्यू देंगे। अब मैं अवरुण को ये नेप लाता हूं और ये फीडबैक देंगे, ठीक है? ठीक है चलो। ये देखो छलनी है, इसमें हमने काढ़ा डाल दिया, लेट्स सी कलर, आप देख सकते हो पूरा रेड है, ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा पी के देखते हैं खराब ना हो, है ना, लग रहा है, हम लोग टेस्ट करके बताएंगे क्या है। वाओ यार, तो गाइस ये टेस्ट में आपको कैसा लगा पता है? हम लोग लेमन टी पीते थे ना, ये लेमन टी जैसा है, खाली थोड़ा ऑरेंजी है क्योंकि इसमें ऑरेंज डाला गया था। टेस्ट काफी अच्छा है, देखो काढ़ा इधर भी लोग पी रहे हैं और अभी हम लोग अपने सारे दोस्तों को पिलाएंगे, और आप भी इंडिया में ऐसा काढ़ा बना के आप भी पीजिए। तो गाइस हम लोग ने इटालियन कावा पिया है और अभी हम लोग इटालियन गोला खाएंगे, तो आ जाओ दिखा देते। तो ये है हमारा इटालियन गोला, टेस्टी है यार। कश्मीर के स्नो तो मैंने खाई थी एक बार, इटालियन स्नो खटा करके देखते हैं। टेस्टी है। तो बहुत जगह आपने स्नो ट्राई करी होगी, बहुत कुछ ट्राई किया होगा, आज यहाँ का स्नो देखो ये इंडिया से पूरा अलग है। एंड अब हम यहाँ का स्नो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखो मैंने इंडिया का स्नो खाया है, आज यूरोप का स्नो टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं, बट हम टेस्ट इधर नहीं करेंगे, हम टेस्ट इधर करेंगे, थोड़ा ढंग का खाना चाहिए ना भाई। अच्छा ये देखो, देखो यहाँ ऐसे, ये देखो बिल्कुल भाई मलाई है, मलाई मलाई क्या चाहिए भाई। अब और टेस्ट करो, देखो आप टेस्ट करते हैं, तुम देखो अच्छा है, फ्रेश है, यहाँ खाते हैं। है अच्छा, बट जो अब भारत में है वो यहाँ कहाँ धरी भाई, विदेश तो विदेश ही होता है, इंडिया है ना, प्राउड फील करो, इंडिया की जो बात है, इंडिया का टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। ऑल दो अच्छा है बट इंडिया से कंपेरिजन नहीं कर सकते कभी। आप देखो रखा है मेरे पीछे, ऑल दो काफी अच्छा भी एक्सपीरियंस है, और मैं आपको बोलूँगा कि आप भी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस जरूर करें, बस काफी कुछ सीखने को मिलता है भाई। और देखो भाई सही होता है, एक जन्नत है यार, पहाड़ में जब भी जाओ एक जन्नत, एक सुकून फील होता है, एंड सुकून के साथ में जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि हम अपने आप को जानते हैं, एक हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोग बोलते हैं पहाड़ क्या देते हैं, पहाड़ कुछ नहीं देते भाई, पहाड़ एक आपको एक होता है ना कि आपको रिन्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीस्टॉल करते हैं, तो पहाड़ आपको री एनर्जी देता है कि आपको लाइफ में पता नहीं होता है, बट आपको यहाँ पहाड़ पे आने के बाद में यू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर विजन अबाउट योर सेल्फ। एंड सेकेंड जो है कि लोग बोलते हैं ना कि
कि मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है, मेरे पास कुछ पता नहीं करना क्या है। देखो आप लोग सिटीज में रहते हो तो वहाँ क्या होता है कि आपको बहुत शॉर्ट दिखता है। आप सोचो ना कि कंजेस्टेड सिटी है, आप आसपास रह रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं, बट पहाड़ पे आप जाते हो ना, पहाड़ से एक शोर से आप कई हजार किलोमीटर दूर भी देख सकते हो। तो जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जा है भले दो कदम हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना करना कभी ना अलविदा। ये आप देखो मेरे पीछे बुलडोजर आ रहा है योगी जी का, ये देखो ये योगी जी का बुलडोजर आ रहा है, ये इटली में भी चल रहा है भाई देख लो। आज हम लोग जैसे आप देख सकते थे, हम लोग आए थे आज स्नो वॉली देखने, बट हम लोग ने ये काफी कुछ एंजॉय कर लिया और ये एक्सपीरियंस यूरोप में हम लोग को अच्छा मिला। एस्पेशली हम लोग ने जो कावा ट्राई किया और इधर के जो फ्राइज ट्राई किए उसको खा के हम लोग को बहुत अच्छा लगा, एक घर वाली फीलिंग आई है। और चलते हैं आगे वीडियो में, हम आपको दिखाएंगे कुछ सीनिक व्यूज। यार सब लोग इधर आ जाओ, ब्लॉग में तुम लोग थोड़े थोड़े आ जाओगे। अरे भाई हेलो हेलो बोलो भाई। भाई कैसी लगी ट्रिप? बहुत बकवास। बोनो 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 भाई, बोले छुट्टी हो गई। भाई ठंडी लग रही है। ये ले लिया, एक बंदा परेशान कर रहा है। हाँ अब हमको उसके बैंड में जानी है। मुंह पे Hello guys, so now you can see this was Etna. We have enjoyed a lot and also get fucked up, man. It was very tiring. It was very tiring and like we can't able to speak because of the, I think temperature is -2 or -3, right? Yes. Our see, mouth is freeze. We are also freeze, man. Yes, but anyhow, it was a nice experience one time like in a life, right? Yeah, we recommend you to come to Etna. Enjoy. Not Etna, anywhere, man. India is great, man. You can go there. So guys, as promised, we are here in Etna in a new vlog. And we will like share experience of other persons as well, how they feel, what about their experience. So let's talk, come and talk to them. Come. Let's take experiences of people about how they felt about the Etna trip. And like they are foreigners, so let's see they whether they want to talk to us or not. Let's see. Let's come. Just show that shit guy to them. पहले भैया को बुलाओ, फिर बाकी उनको बुलाओ। So how was Etna for you? Amazing experience. It's amazing. It's my first time in the snow. In snow. Okay. So you like that? Yeah. It was incredible. Will you be coming back again? Yes. Follow me in Instagram. Follow him on Instagram. Gulabi Hill. Okay. Yes. I will put his interest. Okay. Gulabi aankh. जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे मार हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम मचा के दौड़ा। सो कुलवंत सर, आपको एटना आके कैसा लगा? देखो एटना आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेट्स गो टू शॉप एंड लाइक शॉप, लेट्स कम मैन। देखो मैं आपको अपना इतना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, सो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे कोई दुकान में हम रुके हैं, दुकान का नाम क्या है? एथनिक। इस दुकान पे हमको बोट्स मिलते हैं, इस दुकान पे हमको टोपियाँ मिलती हैं, इस दुकान पे हमको कुल्लू मिलता है और अंदर कुछ हमारे दोस्त मिलते हैं। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा लावा है,
सो गाइज ये है एक चारकोल का टुकड़ा जो कि यहाँ के वॉल्केनो से निकला है, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। आप देख सकते हो पीछे चारकोल ही चारकोल है। सो दिस एरिया है सो मच चारकोल क्योंकि एक्टिव वॉल्केनो है, यहाँ से निकलता रहता है चारकोल। एंड जब इरोजन होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये सारा लावा बाहर आ जाता है जो कि सॉलिडिफाई होकर एक जैसे चारकोल बन जाता है। हमने ये पूरा होप्स हो, हमने ये ट्राई किया कि आप ये ट्रिप को वर्चुअली हमारे साथ पूरा इंजॉय कर सके हो, एंड आपको भी ऐसी फील आई हो कि आप भी हमारे साथ में घूम रहे हैं विद आर वीडियोस। सो होप सो आपको सेम एक्सपीरियंस मिला हो जैसा हमने देने की कोशिश करी। एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, कोई भी आपके सजेशंस हैं, आप प्लीज़ हमें शेयर करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे नई नई प्लेस एक्सप्लोर करें एंड आपको वीडियो ला के देते रहें, सो दैट अगर आप चाहते हैं कि आप यूरोप को वर्चुअली देख पाएं हमारे साथ, तो आप हमें सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, एंड हमें आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन बताओ। हम पूरा ट्राई करें कि हम वहाँ जाके वीडियो शूट करके एंड आपको हमारे टीम में भाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको हमारा जो सीनोरिक व्यू हमने आपको दिखाया, हम आपके लिए लेके आए, आपको अच्छा लगा हो और हमको सपोर्ट करें जैसे हम और अलग अलग जगह पे जाके आपको यूरोप आपके क्लोज मार्केट ला सके। एक इंडिया से दिल हम प्रणव भैया को दे रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे यूट्यूबर भैया हैं ये, तो इनको हम अपने इंडिया से, मैं भी इंडिया का हूँ, ये भी इंडिया का, तो एक लव के तहत मैंने एक दिल गिफ्ट कर दिया। इतना प्यारा मुझे गिफ्ट मिला है। आपको सब्सक्राइबर हूँ बहुत बड़ा, बहुत से कंटेंट बनाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। थैंक यू। आप इंडिया से अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो कौन करेगा भाई। तो गाइस इसी बात पे ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों हम आपको आगे वीडियो में और भी कंटेंट ला रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। लव यू फ्रॉम माई साइड, लव यू फ्रॉम माउंट एटना, लव यू फ्रॉम। चलो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।